आज ये जो चॉइस सिनर्जी समिट 2023 हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसमें आज के दिन हमारे 94 लोकेशन से पैन इंडिया से लगभग 450 पार्टिसिपेंट्स हैं। हमारे जो समिट है उसका थीम है कि हम एक अच्छा नेटवर्क एक्सप्लोर करें, हम हमारी जो स्ट्रेटजीज है हमने जो पास्ट में किया है उसको इवेल्युएट करें, फ्यूचर के लिए स्ट्रेटजी बनाएं और आगे के लिए एक क्लियर कट पाथ डिसाइड करें। आज ऑलमोस्ट 450 पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन की टॉप लीडरशिप है वो हमारे साथ है, टोटल 4000 प्लस की जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ है उसमें से लगभग 10% के आसपास की जो लीडरशिप है, जो लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन को लीड करती है वो हमारे साथ है। बहुत सिंपल एजेंडा है, बहुत एज ए फैमिली एनवायरनमेंट में हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि हमने पिछले सालों में क्या पाया है और हमारा अगले सालों का टारगेट क्या है। एंड वी आर वेरी होपफुल कि इस समिट से हम एक बेहतर टीम, बेहतर प्लान और बेहतर स्ट्रेटजी पाएंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, इवेंट बहुत अच्छा रहा, हमको पावर, आई कैन कॉल इट एज ए पावर पैक इवेंट। इधर हमको इतना अच्छा नेटवर्किंग करने का मौका मिला सुबह से, जितना हमारा एक्सपीरियंस लोग है पूरा हिंदुस्तान से इधर आके वो उनका एक्सपीरियंस हमको शेयर करने लगा। जो हमारा सीनियर्स है इधर सभी, उसका एक्सपीरियंस और प्रोसेस सभी समझाया हमको। अभी तो चैट जीपीटी का दुनिया है, ये एआई का दुनिया में हमको आगे क्या करना है वो हमको अच्छी तरह से सिखाया गया है अभी। सो हमने बहुत आइडियाज एक्सचेंज किया, सो इट वाज लाइक ए थिंक टैंक मीटिंग। सभी लोगों से मिला हमने, सभी लोगों से बात किया, अभी आगे का प्रोसेस कैसे लेके जाना है ऑर्गेनाइजेशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाट दैट वी हैव टू डू इन फ्यूचर। ये जो हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है, ये जो मौका है वो सभी हमको बताया गया है। एंड सो दिस इवेंट वॉज वेरी गुड, एंड आगे हमको तो आगे बढ़ाने के लिए तो बहुत अच्छा एनर्जी मिला है सभी लोगों से। यू नो माई एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड इन दिस इवेंट। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ कामना एंड आई एम करंटली वर्किंग इन अ चॉइस ब्रोकिंग विलाई ब्रांच। जस्ट आई एम शेयर विथ यू एक्सपीरियंस, माई एक्सपीरियंस इन अ चॉइस ब्रोकिंग। एक्चुअली मैंने लास्ट 1 ईयर पहले चॉइस ब्रोकिंग में ज्वाइन किया हुआ है, बट मैं अगर आपको मेरे यहाँ का चॉइस का अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊँ तो इट्स अ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर लाइक जितने भी ब्रोकिंग हैं, या फिर अगर मैं बात करूँ तो अदर जो रहता है, मतलब ब्रोकिंग हो गया या फिर बैंकिंग सेक्टर, यहाँ पर मुझे बहुत कम्फर्ट लगता है वर्किंग के लिए। और यहाँ की मैनेजमेंट की मैं अगर बात करूँ तो ये बहुत ही सपोर्टिव है काम के लिए, और जो यहाँ का वर्किंग इन्वायरमेंट है, मतलब बहुत सारी जगह मैं अगर पास्ट मेरी जितनी भी चीज़ें रही हुई है मैं अगर वहाँ से बात करूँगी तो एक थोड़ा सा रहता था मतलब प्रेशर टाइप से, यहाँ पे मैं बहुत मतलब इन्जॉय करके काम कर रही हूँ। और थैंक्स टू चॉइस ब्रोकिंग फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू वर्किंग इन अ चॉइस, थैंक यू सो मच। चॉइस सिनर्जी समिट 2023, आज हमारे मुंबई से चॉइस सिनर्जी समिट 2023 स्टार्ट हो, आज के हमारा चॉइसर एमप्लय, आज के 10 बचर धरे चॉइसर संगे रही। आज के हमारे एखे जो एनुअल इवेंट्स हमारे स्टॉक मार्केटर ऊपरे, अपनारा स्टॉक मार्केटर समस्त सम्बन्धे अकाउंट ओपनिंग, ट्रेडिंग, डिमैट एवं ऑनलाइन एप्सर सम्बन्धे सब कुछ जानते पारबें चॉइसर थ्रू। चॉइसर हमारे मोबाइल जो एप्सटा रही है, ये एप्स के आपनी समस्त किछु इन्वेस्टमेंट, अपना इन्स्योरेंस, म्यूचुअल फंड सब किछु करते पारबें। चॉइस हमारे सम्बन्धे जे आज के इनवाइट करे एखाने चॉइसर थाने बाइक सूरज प्लाजाते आमरा जे काज आज के उद्देश्य निये एसेछि, आगामी एजेंडा 2025 हमारे चॉइसर लक्ष्य होच्छे जे टॉप 5 बिजनेस हमारे टॉप मैनेजमेंटर संगे एसे बिजनेस शेयर एक्सपीरियंस शेयर करे आगामी दिन चॉइस के सेई लेवल अब्दि निये जेते पारबो, एटाई आमादेर सबथेके स्ट्रंग पॉइंट। चॉइस एनर्जी समिट जो 23 में हुआ है, ये बहुत ही एनर्जेटिक मीटिंग रहा है। इसमें अपनी सारी टीम मेंबर्स को मिलने का चांस मिला है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करने मिला, और सारे ब्रांचेस जो कभी एचओ आ नहीं पाते थे या उनकी जो सर्विसिंग टीम है जो सपोर्ट करते हैं एचओ में बैठे उनसे मिल नहीं पा रहे थे, तो आज हमारी ये मीटिंग से सबका एक दूसरे से मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के दौरान बहुत एक चीज़ समझने मिली कि एक्चुअल कहाँ गैप्स आते हैं या कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और कहाँ और मैनेजमेंट का जो आज पैनल का डिस्कशन रहा उसमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि मैनेजमेंट क्या सोच रही है और हमें स्टेप पर उनके स्टेप से हमें आगे कैसे बढ़ते जाना है। तो कुल टोटल मिला के बोलो कि आज की मीटिंग बहुत एनर्जेटिक रही और हमारे लिए नेक्स्ट ये पूरा ईयर एक फोकस ईयर रहेगा कि इस ईयर के अंदर हमें कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट करते हुए लेके जाना है और नई कामयाबी के उपलब्धि को हासिल करना है। थैंक यू वेरी मच। हाय,
माझं नाव आहे रुचिता चव्हाण. ॲक्च्युली मी जॉईन केलं आहे चॉईस 4 ते 5 महिन्यांपूर्वी. ओके, मी दुसऱ्या ब्रोकिंग फर्ममधून आली आहे आणि इथे ही जी माझी मीट आहे ती फर्स्ट मीटिंग आहे, ॲन्युअल जनरल मीटिंग. तर हा एक्सपिरियन्स मला खूप छान वाटला, कारण की इथे आपल्याला इतक्या साऱ्या लोकांना भेटायला मिळालं, त्याचबरोबर आपण जितक्याही लोकांना भेटलो आपले जेवढे डाऊट्स होते ते सगळे क्लिअर झाले, त्याचबरोबर कोणी असं मानलं नाही की हे वेगळ्या ब्रांच आहेत ते वेगळ्या ब्रांच आहेत त्या नॉन, असं काहीही झालं नाही. सगळ्याशी एकत्र मिळून सगळं काही एन्जॉय करायला भेटलं. त्याचबरोबर इथे मला एक गोष्ट खूप चांगली वाटली की जेवढ्या सगळ्या ब्रांचेस आहेत त्या एकत्र येऊन एकमेकांना स्वतःचं बिझनेस अँड ऑल सगळं वाढवण्यासाठी वगैरे मदत करतात. त्याचबरोबर इथलं एन्व्हायरमेंट पण खूप छान आहे, सगळ्या काही फॅसिलिटीज खूप चांगल्या अरेंजमेंट झालेल्या आहेत. त्याचबरोबर मला हे पण म्हणायचं आहे की चॉईस ब्रोकिंगने जे काही आत्तापर्यंत केलेलं आहे त्यांची जी जर्नी मी ऐकली ती खरंच खूप छान होती आणि मला एक्सपिरियन्स घ्यायला खूप आवडलेलं आहे. थँक्यू चॉईस. Hi, so I'm at the Choice Synergy Summit 2023 and it's been an exciting journey so far. The objective that we see from this summit is to interact with multiple verticals, whether it is lending, equity, insurance, and you know, the objective is to find synergies that we can work together on. And I think all the panel discussions and the talks that have happened so far have been very, very knowledgeable. We have learned a lot from the other colleagues that we are working with. And the objective is to do much, much more with each and everyone. Choice Parivar itself means that each and everyone can be a part of this family in the growth story that we envision for Choice. And I wish everyone all the best in their future endeavors and look forward to working with all of you. Thank you. It was really amazing to attend this event. The event was such informative, so we got to know what kind of products the group is offering. So it was much more beneficial for cross-selling of our products. Myself, Balchandra Murarka, CEO, Choice Consultancy Services Private Limited. Hum log yahan par aaj Choice Business सिनर्जी मीटिंग के लिए सब इकट्ठे हुए हैं. हमारे देश भर में जहाँ भी काम चल रहे हैं वहाँ से सब सीनियर टीम मेंबर्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं. हम लोग अभी रोड एंड हाईवे, एफोर्डेबल हाउसिंग, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सेक्टर्स में अपनी सेवाएं गवर्नमेंट को दे रहे हैं. अभी हम यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं 3 दिन के लिए. ये जो समिट है इसमें हम आगे का प्लान डिस्कस करने और हमको नए नए सेक्टर जिनमें आना है, हम आगे और नए सेक्टर्स में आने वाले हैं. इसके अलावा हम अभी नई टेरिटरी जो नए स्टेट्स हैं उनमें हम एंटर करने वाले हैं. इसके अलावा हम लोग इंटरनेशनली भी इस साल अपने ग्लोबल प्रेजेंस भी हम लोग दिखाने वाले हैं. और ये सब को लेकर हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक डिस्कशन के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं. और इट इज़ ग्रेट टाइम, वी आर हियर एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट वन डे चॉइस विल बी ए सर्वश्रेष्ठ ऑर्गेनाइजेशन इन एवरी फील्ड. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, टेम जॉब हूँ कुणाल परा, वीपी ऑफ टेक्निकल रिसर्च एंड एल्गो. आज चॉइस इंजीनियरिंग समिट 2023 से अने अहीं अमे अलग अलग टॉपिक पर डिस्कशन करवाना छे अने जे जे टॉपिक पर लोकोनी जे क्वेरी छे एनो पण अमे सॉल्यूशन करवाना छे. मेन वस्तु अत्यारे या छे कि अमे जे टॉपिक माटे अहीं आवेला छे अने जे टॉपिक अने जे डिपार्टमेंट अमे हेड करी रह्या छे एनी माटे थी एने माटे थईने अमे अहीं नेटवर्किंग मार्केटिंग थ्रू लोकोने मळवाना भी छे अने लोको साथे एने लईने फीडबेक भी लेवाना छे. तो आ एक प्लेटफॉर्म छे जे घणुं सारुं प्लेटफॉर्म छे ज्यां अमने ऊपरनी लोकोना फीडबेक मळी रह्या छे अने एनो सेटिस्फाइड आंसर अमे एने आपी रह्या छे. सो आना बेस पर एवं लगी रू है कि आना दिवस में अमे एक नवी हाइट्स, नवी ऊंचाई हासिल करीशू. अने अमने एवं लगे कि 2023 2024 अने पछीना वर्षों अमारी पास घना फर्द आई रहे सर. थैंक यू.